क्योंकि ये इलाका काफ़ी चुनौतीपूर्ण इलाका है। जैसे इसके पहले हम लोग अरनपुर से लेकर जगरूंडा मार के हम बाद में फिर इस टाइप का पल्ली बरसो रोड और कई इलाके जो पहले नक्सल गतिविधि कारण से बंद हुए थे उन सबको रीओपन किए गए थे। उस सिलसिला में ये जहरोंडा से लेकर बांसवाड़ा तक ये भी एक महत्वपूर्ण जो पुराना सड़क मार्ग थे उसका रीओपन करने के लिए हाल फिलहाल में कुंदेड़ और बेदरे में कैंप स्थापित किए गए थे। उस कैंप स्थापित करने के पश्चात लगातार इलाके में सुरक्षा के साथ विकास कार्य को भी गति दी जा रही थी। इस गतिविधि के लिए फिर लगातार आसपास इलाके में सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन की जा रही थी क्योंकि ये PLG पटेल नंबर 1 के जो उनका एक स्ट्रांग होल्ड एरिया थे उसी चुनौती को सामने करने के लिए कैंप स्थापित करने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति दी जा रही थी। इन सब परिस्थिति अभी आकलन की जा रही है, लेकिन वो इलाका जहाँ पर अभी मुठभेड़ हुई थी पूर्व में भी CP माओवादी संगठन के जो पेट्रोल नंबर 1 और CRC उनके एरिया का थोड़ा स्ट्रांग होल्ड एरिया थे, फिर उसी हिसाब से अभी पार्टीज स्ट्रांग पार्टी निकले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा 3 साथी का शहादत हो गई। फिर अभी अन्य जो रिइंफोर्समेंट पार्टी आसपास इलाके में अभी सर्चिंग कर रहे थे, उम्मीद है और महोदयों का यदि किसी प्रकार के नुकसान हुआ तो फिर उसके बारे में और अपडेट मिल सकता है।